सो फ्रेंड्स, सो आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ स्पेसिस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जनरली आपको यहाँ पे 6 टाइप के टॉपिक मतलब स्पेसिमेन मिलेंगे, जैसे कि होलो टाइप, आइसो टाइप, पारा टाइप, सिन टाइप, इलेक्ट्रो टाइप एंड नियो टाइप। तो इनका यूटिलिटी क्या है दोस्तों, हम अभी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले आता है हमारा होलो टाइप। होलो टाइप क्या है दोस्तों, आप स्पेसिस कलेक्ट करने जा रहे हैं, होलो टाइप ये सबसे बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल स्पेसिस है दोस्तों, ओरिजिनल स्पेसिस। ओके, ओरिजिनल स्पेसिस क्या है? ओरिजिनल स्पेसिस मतलब आप जा रहे हैं कहाँ पे, एक फील्ड एरिया पे, यहाँ पे आपने कुछ कलेक्ट मतलब फील्ड सैंपल मिल गया। ओके, इनमें से दोस्तों आप मतलब सब तो लेके नहीं आ पाएंगे ना, बहुत भारी हो जाएगा। ओके, ओनली आप 3 सैंपल यहाँ से लेके आए, जो आपका फील्ड एरिया है, ये आपका फील्ड एरिया, यहाँ से आप दोस्तों क्या 3 सैंपल लेके आए। इन तीनों में से एक को आपने चूज कर लिया। ओके, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे फीचर देखने लग गए, सैंपल्स के सब कुछ, फॉसिल के सब कुछ यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा ओरिजिनल स्पेसिस है। कहाँ से? जहाँ जो ये एरिया से आपने जो सैंपल लाया था, इनमें से जो बेस्ट सैंपल था, इसको आपने क्या बोला? होलो टाइप। क्यों बोला? क्योंकि ये आप ओरिजिनल एरिया से सैंपल लाए हो। ओके, तो ये मोस्ट परफेक्ट जेनस है दोस्तों। ओके, मोस्ट परफेक्ट जेनस है। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यू विल गेट एवरी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ। ओके, जो भी स्पेसिस पे होना चाहिए यहाँ से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों होलो टाइप क्या है? मोस्ट परफेक्ट जेनस, जहाँ की ये ओरिजिनल स्पेसिस से लाया गया ये है। ओके, यहाँ पे सब कुछ आपको जो भी इसका फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो इसको दोस्तों हम होलो टाइप बोलते हैं। होलो टाइप के बाद आइसो टाइप क्या है दोस्तों? कभी कभी क्या होता है कि आप मतलब कि सिक्योरिटी के लिए एक दूसरा होलोटाइप मतलब रख लेते हैं। लाइक आपने यहाँ पे फील्ड गया था, फील्ड में बहुत सारे सैंपल यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। ओके, इनमें से दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 सैंपल लाए थे, क्योंकि सब आप ला नहीं सकते, बहुत सारे फॉसिल के सैंपल थे ना, तो इसीलिए 2-4 जो अच्छे अच्छे स्पेसिस थे यहाँ पे ले आए। इनमें से एक को बना दिया आपने क्या? होलो टाइप, और ये आपने म्यूजियम में रख दिया दिखाने के लिए। लेकिन आप सिक्योरिटी के लिए, आपने डर लगा कि ये होलो टाइप अगर गुम हो गया तो क्या करेंगे, तो आपने ये सैंपल को आपने क्या रख लिया? डुप्लीकेट। ओके, डुप्लीकेट सैंपल, तो डुप्लीकेट सैंपल को क्या बोलेंगे दोस्तों? दिस इज आइसो टाइप। ओके, डुप्लीकेट सैंपल, डुप्लीकेट ऑफ होलो टाइप, दिस स्पेसिमेन इज डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ऑफ व्हाट? होलो टाइप, होलो टाइप। तो इस डुप्लीकेट किसका दोस्तों? होलो टाइप का, जो ओरिजिनल सैंपल था उसका एक डुप्लीकेट अगर आप रख लिए तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आइसोटाइप स्पेसिमेन। ओके, देन चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों लेक्टो टाइप। ओके, लेक्टो टाइप। ओके, सपोज आप पब्लिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप फील्ड गए थे, फील्ड से आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया। ओके, आपने होलो टाइप यहाँ पे, यहाँ से होलो टाइप आपने चूज कर लिया, होलो टाइप। लेकिन आप इसी होलो टाइप को आप किसको दिए, मतलब कि दिए थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि आप जिससे भी दिए थे वो कहाँ पे घुमा दिया, तो गुम हो गया। तो ओरिजिनल स्पेसिस जो था होलो टाइप, होलो टाइप जब मिस हो जाता है, होलो टाइप जब मिस हो जाता है, आपको एक अनदर लाना पड़ेगा, अनदर स्पेसिमेन इसको आप ले आए होलो टाइप के बदले में। ओके, तो इसी को लेक्टो टाइप बोला जाता है दोस्तों। क्या? ड्यूरिंग पब्लिकेशन ओरिजिनल स्पेसिस मिसिंग। ओके, जब ओरिजिनल स्पेसिस मिस हो जाता है, जब ओरिजिनल स्पेसिस मिसिंग हो जाता है, आपको एक नया वाला अनदर स्पेसिस यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज अनदर स्पेसिमेन, अनदर स्पेसिमेन। ओके, आपको क्या, ये आपने होलो टाइप लिया था लेकिन ये गुम हो गया, ये मिस हो गया। ओके, आपको इसी को होलो टाइप को समझाने के लिए आपको एक दूसरा का सहारा लेना पड़ रहा है, तो जिसको आप लेक्टो टाइप बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ होलो टाइप, लेक्टो टाइप आपको यूज करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? नियो टाइप। ओके, सेम उसी फिल्टर का एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे आपने सैंपल कलेक्ट करने के लिए गए थे, यहाँ से दोस्तों आप 1, 2, 3 सैंपल लाए थे, 3 में से आपने एक को क्या बोल दिया? होलो टाइप। दूसरे को आप डुप्लीकेट अगर रख लिया तो उसको बोल दिया आइसो टाइप, और बाकी सारे जैसे भी सैंपल है। लेकिन क्या हो गया कि कहीं भी ये जो रखा गया था 3 सैंपल, 1, 2, 3, ये दोस्तों पूरा होलो टाइप भी मिस हो गया, आपका आइसो टाइप भी मिस हो गया। ओके, यहाँ पे सब कुछ मिस हो गया।
तो आप क्या करेंगे, अभी अभी फिर से आप जाएंगे फील्ड को, फील्ड से दोस्तों एक और सैंपल लेके आएंगे। ओके, जब आपका होलोटाइप ये ओरिजिनल होलोटाइप यही था दोस्तों, लेकिन ओरिजिनल होलोटाइप मिस होने के कारण आपको एक फिर से फील्ड जाना पड़ रहा है और फिर से सैंपलिंग करना पड़ रहा है। तो अगर आप एक न्यू टाइप का मतलब होलोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, होलोटाइप को ये दोस्तों रिप्लेस कर रहा है, पहले जो होलोटाइप में डिस्क्रिप्शन किए थे दोस्तों, ये दोस्तों सब कुछ मिसिंग है, लेकिन इसी डिस्क्रिप्शन आप रख रहे हैं, लेकिन उसी होलोटाइप के बदले में आप एक और नया सा क्या फॉसिल ला रहे हैं, मतलब आप फील्ड फिर से जा रहे हैं, फिर से और नया सैंपल यहाँ पे और एक सैंपल लेके आ रहे हैं, तो इसको दोस्तों होलोटाइप के बदले में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो न्यू टाइप। ओके, एंटायर न्यू टाइप, दिस इज एंटायर न्यू स्पेसिमेन। ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रोटाइप जैसा कि क्या हो, एक गुम हो गया तो यहाँ से ही ले लिए, ये सब तीनों ही पूरा मिस हो गए। ओके, ये तीनों ही सब मिस हो गए। तो न्यू टाइप का मतलब, न्यू टाइप का मतलब जब होलोटाइप लॉस हो जाता है, व्हेन होलोटाइप सिन टाइप आइसोटाइप, व्हेन होलोटाइप लॉस। ओके, होलोटाइप और बाकी जितने भी थे सिन टाइप और आइसोटाइप क्या होता है दोस्तों, लॉस हो जाता है, तब आपको एक नया सैंपल फील्ड को जाना पड़ेगा और फिर से लाना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस बाय ए न्यू स्पेसिमेन। ओके, रिप्लेस बाय न्यू स्पेसिमेन। ओके, तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, दोस्तों हम न्यू टाइप बोलेंगे। ओके, शायद समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिर से दोस्तों सिन टाइप और एक है सिन टाइप। क्या है कि दोस्त, आपने फील्ड तो गए थे, फील्ड से ये सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपने आगे यहाँ पे होलोटाइप, मतलब जिसका पास बहुत ही अच्छा सा डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आपका जो सैंपल का सब कुछ, उसका ईयर आई प्रेजेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, जो भी होना चाहिए था सैंपल में है, तो इसको आप क्या बोलोगे दोस्तों, होलोटाइप। लेकिन जो होलोटाइप में और कुछ सैंपल और कुछ जो भी चीज़ दोस्तों मतलब प्रेजेंट नहीं है, सपोज इसका ईयर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसी ईयर और दूसरे एक सैंपल में अच्छे से प्रेजेंट है। ओके, तो एक होलोटाइप को समझाने के लिए दूसरा अगर सैंपल का यूज करना पड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आप क्या बोलोगे उसको, सिन टाइप। मोर देन वन स्पेसिमेन रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्पेसिस। सिन टाइप का मतलब क्या है, मोर देन वन स्पेसिमेन रिक्वायर टू एक्सप्लेन द स्पेसिस, क्योंकि एक स्पेसिस में सब कुछ प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए हमको दूसरा स्पेसिस लाना पड़ा। ओके, मोर रिक्वायर टू एक्सप्लेन ए स्पेसिस, एक्सप्लेन ए होलोटाइप। होलोटाइप में सब होना चाहिए था, लेकिन कुछ पार्ट दोस्तों मिसिंग है, इसको समझाने के लिए हम एक सिनटाइप स्पेसिस ले आएंगे, जहाँ पे इसका होलोटाइप में जो भी मिसिंग है सिनटाइप में वो प्रेजेंट रहे, ताकि हम पूरी स्पेसिस के बारे में पूरा डिटेल्स ज्ञान ले सके। ओके, और भी है दोस्तों क्या, पारा टाइप दोस्तों क्या है कि आपने फील्ड ट्रिप गया था, फील्ड ट्रिप में यहाँ से आपने सैंपल ले आया। ओके, तो यहाँ से सैंपल जो ले आए, ये दोस्तों आपका होलोटाइप सिन टाइप इलेक्ट्रोटाइप सब कुछ यहाँ पे मिल गया, लेकिन क्या किया कि आपने फिर से और एक दिन फील्ड गए दोस्तों, इसी एरिया पे अगर सैंपल है तो आसपास के जो एरिया होंगे यहाँ पे भी तो उसी सैंपल ही होंगे ना, आप इसी लोकेशन से ही लाए हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, अभी हम इसी लोकेशन, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ से दोस्तों लाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसा ही स्पेसिस था यहाँ पे भी ऐसा ही दोस्तों स्पेसिस है, अगर यहाँ पे ऐसा ही स्पेसिस है तो हम नियर बाई स्पेसिस से एक जैसा ही होलोटाइप दिखता था उसके जैसा ही हम स्पेसिस ले आए, जहाँ पे कि आप होलोटाइप को एक्सप्लेन कर सके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पाराटाइप। ओके, पाराटाइप का मतलब यही है दोस्तों क्या कि पाराटाइप, आपने सिमिलर स्पेसिस होलोटाइप जैसा स्पेसिस और एक दूसरे लोकेशन से ले आए, नियर बाई प्लेस। ये दोस्तों आपने, ये फील्ड आपका है, इसी फील्ड से आपने पहले होलोटाइप जो सीन टाइप इलेक्ट्रोटाइप आपने कलेक्ट किया था, लेकिन बाद में गया आपने इसी एरिया को, इसी, ये भी तो आसपास ही एरिया ना, नियर बाई प्लेसेस, यहाँ पे भी तो होलोटाइप जैसा स्पेसिस मिलेगा ना, तो इसी को आपने होलोटाइप के जैसे एक्सप्लेन करने लग गए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पाराटाइप। ओके, तो आपको क्या क्या बताया, होलोटाइप क्या है, आइसोटाइप क्या है,
होलो टाइप क्या है, ओरिजिनल स्पेसिमेन है। ओके देन उसके बाद क्या बताया, आइसोटाइप क्या है, आइसोटाइप आपने अगर ओरिजिनल स्पेसिमेन का डुप्लीकेट रख दिया। ओके उसके बाद दोस्तों आपका लेक्टोटाइप क्या है, लेक्टोटाइप क्या है, अगर होलोटाइप मिस हो रहा है, अगर होलोटाइप आपको नहीं मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लेक्टोटाइप बोलेंगे, क्योंकि आप होलोटाइप अगर कभी भी मिस हो जाता है उसको अगर मतलब समझाने के लिए आपको एक दूसरा स्पेसिस का सहारा लेना पड़ेगा, उसको हम लेक्टोटाइप बोलेंगे। ओके उसके बाद नियोटाइप, नियोटाइप अगर कभी भी आपका जो स्पेसिमेन है होलोटाइप आइसोटाइप इलेक्ट्रोटाइप सब कुछ मिस हो गया तो आप फील्ड से फिर से जाएंगे और एक नया सैंपल लेके आएंगे। ओके ओके जो होलोटाइप था उसको रिप्लेस करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, नियोटाइप। ओके तो यही है दोस्तों, आपको थोड़ा याद रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मैं नेक्स्ट क्लास को आऊँगा और एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।